देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देहरादून के जोशी मठ से 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे भापकुंड में बीती रात बादल फट गया। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा के चलते 5 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए, जिस दौरान मलबे में दबकर उनकी मौत हो गई। हालांकि 5 में से 2 मजदूरों के शव को निकाला जा चुका है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर सीमा सड़क संगठन में कार्य करते थे और बीती रात बादल फटने से पहाड़ी का मलबा यहां काम कर रहे BRO के मजदूरों के डेरे के ऊपर आ गिरा, जिसके कारण 5 मजदूर मलबे में दब गए। हालांकि SDRF पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर घटना स्थल पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। इसी के साथ चमोली जिले में भारी बारिश के चलते तबाही का माहौल बना हुआ है। नीति मोटर मार्ग पर जेलम के पास भी भारी मात्रा में मलबा आने से सड़क बंद हो गई, तो वहीं दूसरी ओर लामबगड़ भूस्खलन जोन के नजदीक भारी बारिश की वजह से करीब 15 मीटर सड़क बह गई। तबाही के कारण यहां के हाईवे की मरम्मत का कार्य भी शुरू नहीं हो पाया। आपको बता दें कि हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आया हुआ है और हाईवे बंद होने से 800 यात्री बद्रीनाथ धाम की ओर फंसे हुए हैं। इसी के साथ उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग थेरांग और गंग नानी के मध्य नागदेवता के पास मलबा भूस्खलन से बंद है। प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन के चलते पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली और देहरादून में 62 मार्ग मलबा आने से बाधित है। इतना ही नहीं, पिथौरागढ़ और चमोली में 78 परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।